राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। आज भैया जो जो मेडिकल एजेंट है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा, आज ये कलेक्टर साहब का ज्ञापन दे जा रहे, और ज्ञापन ही बात को दे रहे कि जो शिवसेना ने बोलो है और शिवसेना ने जो कही है, अब शब्द निकारे हैं डॉक्टरन के लाने, उनको विरोध करवे के लाने से ज्ञापन दे जा रहे। भैया वैसे तो देखो जाए, अगर तो डॉक्टर ने जो अपनी भूमिका निभाई है कोरोना काल में, सभी विभाग ने, एक विभाग नहीं, पुलिस विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या कोनो विभाग हो, भैया वो भुलाओ नहीं जा सकत, वे बधाई के पात्र हैं। चाहे वो बाँट बॉय से लगा के कोनो भी हो, तो उन्होंने कोरोना काल में ऐसी मानवता की सेवा करी है कि भैया शायद कोई ऐसी कर पाए, तो वो तो उनको योगदान विशेष है। और यही बात खा ले कर डॉक्टर ने प्रोत्साहित करोगे, बहुत से उन्हें भैया इनाम भी दिए गए, लेकिन एक पेच तो जरूर फंस रहे हो कि भैया डॉक्टर भी लापरवाही कर रहे। यह भी बात हकीकत है, अपने आप में बतावे वाली है कि डॉक्टर की भी कहूँ ना कहूँ लापरवाही होत है। इसे जो विरोध प्रदर्शन हो, तो विरोध प्रदर्शन करवे को हक तो सब का है, हमारे संविधान में व्यवस्था करी गई कि भैया विरोध करो, लेकिन विरोध बहुत चाहिए शांतिपूर्वक, उनमें कोनो भी प्रकार की तोड़ फोड़ या कोनो आक्रोश या ज्ञाप न बहुत चाहिए, शांतिपूर्वक बहुत चाहिए, जो कुछ भी बहुत चाहिए। और आज वही विषय में भी एसपी ऑफिस में आए हैं ज्ञापन देवे के लाने, वे जा रहे जैसे कि देखो जा सका, सब जने जा रहे इकट्ठे हैं भैया, पूरे एजेंट जितने हैं मेडिकल के, ज्ञापन दे रहे एसपी साहब का कि भैया मुन्ना तिवारी के खिलाफ शिवसेना जो जिला अध्यक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, इनने अपशब्द उनको उपयोग करो है, अपशब्द बोले हैं डॉक्टर ने लाने। जैसे कि देखो जा सकत के भैया कोनो भी अगर प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन है या कछु भी है, तो उनको शांतिपूर्वक हल भाव चाहिए, शांति से भाव चाहिए, ना कोनो टोड़ फोड़ ना कोई का अपशब्द बोलो चाहिए। इनकी गुंजाइश कहूँ भी हमारे संविधान में नहीं दी गई, संविधान में केवल हक दोगो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, लेकिन एक नियम कानून कायदे के तहत। और शिवसेना में कछु अगर मान लो उग्र बातें बोली हैं, या शिवसेना के अध्यक्ष ने या उनके सदस्य ने या ललकन ने जो भी भैया रहे हों, उनके सैनिक रहे हों, उनने अगर बोली हैं, तो उन्हें भी ऐसा ना करने, तो अपनों विरोध जताते, अच्छे से जताते, शांतिपूर्वक जताते, तो वो एक अलग बात हो जाती। लेकिन डॉक्टरन की बेइज्जती करके या गलत शब्दन को उपयोग करके जो जो शब्द प्रयोग करे गए हैं, तो भैया उनमें गुस्सा सभी जने खाओ। तो देखो जैसे कि आप देख सकें लाइव प्रस्तुति है, जब बुंदेली चुगली की हम लाइव यही से दिखवा रहे हैं आप लोगों का, कि आप और अभी हकीकत से रूबरू हो जाओ। तो भैया जैसो कि आप और देखत भी हो, जानत भी हो, समझत हो सभी जने कि धरना प्रदर्शन हमाओ शहर काय को शहर है, धमाकन को शहर है। धमाका जो नहीं कि भैया बम गोला बारूद और गोली हत्या मार्डर जो धमाका नहीं, आंदोलन प्रदर्शन इनको धमाका शहर में चलते ही रहा। हाँ गोला बारूद भी होत बाई चांस, वो भी समय समय पर हो जात, लेकिन ये धमाका होता ही रहा भैया, कहूँ कोनो प्रदर्शन, कहूँ कोनो प्रदर्शन, कहूँ कोनो प्रदर्शन। आज वही कड़ी में प्रदर्शन जो भी हो रहा, कलेक्टर हम विज्ञापन देवे आए हैं, देखो आगे की कार्रवाई होत का है। कलेक्टर लोग भी जाने हैं, उन्हें एसपी लोग आ चुके, वे एसपी सचिन शर्मा का ज्ञापन देवे गए हैं, हालांकि अब एसपी साहब आए नहीं आए थे, एसपी साहब हो सका थोड़ी लेट आए, लेकिन विज्ञापन देवे गए हैं भैया सब जने। अब उनके ज्ञापन की रूपरेखा उनमें का लिखो है, वे आ जाए तो उनसे भी हम बात करवा भी आप लोगों की, और दिखवा भी सुनवा भी कि भैया उनको के वो का है, वे का कह रहे। तो बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है भैया, जा आप देखो बढ़िया घरे बैठे, अब हम आगे को हाल भी आपका सुनवा भी और दिखवा भी देखो जा सकत। देखो भैया इतना ही से बढ़िया हम दिखवा दे रहे तुम्हें सभी जनन खा, देखो आराम से बढ़िया बैनर चल रहा है इतना ही से बिघ करके और आराम से दिखवाओ जा सकत, क्योंकि विज्ञापन दे के अब एसपी साहब खां बाहर निकल रहे, और जब बाहर निकल है तो हम आप लोगों की बात भी करवा भी सुनवा भी कि उनको के वो का है, वे का कह रहे। इतने से भैया जूम करके भी देखा जाइए, तना दिखा जाए कोनो भी चीज़ की भैया मर्यादा रखने आओ, हमारी भी एक मर्यादा है, हमारी भी एक सीमा है, हमें उस सीमा में रह कर काम करने हैं और ध्यान भी रखने। अब भैया वे गए हैं अंदर ज्ञापन दे रहे, ज्ञापन देवे के बाद भी बाहर निकल हैं, फिर देख भी के जी का कह रहे भैया, इनको केवो का है। जो है भैया मेडिकल एसोसिएशन है विज्ञापन दे रहा है,
हमें ज्ञापन किया, आप खांसी की परिस्थिति देखवा रहे, आप ज्ञापन भी देख लो, उनसे बात भी करवा भी, बात भी कर भी, और जान भी कि उनको कह वो काहे जो है आपके सामने सब रूपरेखा राइट चल रहे बुंदेली चुगली को, तो देखो भैया सब जने के आखिर प्रदर्शन करो, ठीक करो, विरोध करो, ठीक करो, हम ऊ के विरोधी नहीं हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीक़ा से बहुत चाहिए, कोनो अपशब्द ना बहुत चाहिए, जैसे कि हम बार बार आपका बता भी रहे। अब आगे चल के नहीं भैया, गेट के बाहर जो मर्यादा है हैं, अपन का कानून को पालन भी करने, हाँ ज्ञापन भैया ज्ञापन दे रहे जो है, तो हम ज्ञापन की भी लाइव परिस्थिति आपका दिखवा रहे, जैसो कि एक अधिकार क्षेत्र होती है के अंदर, हाँ वही हम कह रहे हैं कि कानून को पालन करने हैं अपन का, भैया कानून नहीं तोड़ने हैं, आप लोग पढ़े लिखे आओ, वैसे ही सब जने पढ़ लिख के ही एजेंट बना, कैसे नहीं बन जा भैया, ये मैं बोल है कोई को गैंग, अच्छा अध्यक्ष महोदय हैं, अच्छा तो भैया आप सामने आपके मेडिकल एसोसिएशन के जो एजेंट अध्यक्ष हैं, मेडिकल रिजिक पेंजर, ठीक है, हमसे बनत भी नहीं है अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलत नहीं है भैया, उन्हीं से पूछ रहे, उन्हीं से जान रहे कि ज्ञापन को मकसद का है, संदेश का है, तो काय विषय में जो ज्ञापन दो जा रहा, तो जे हैं भैया इनके अध्यक्ष, अध्यक्ष से हम सीधी बात करें, भैया जो ज्ञापन काय विषय में दो जा रहा का मत बताओ। ये मैं मध्य प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन छतरपुर इकाई का अध्यक्ष हूँ, और मैंने अभी SP साहब को ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है कि 28 जनवरी 2021 को शिवसेना के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अस्पताल के गेट पर तमाम भीड़ को इकट्ठा करके डॉक्टरों को रोका और उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज दी और मारने की धमकियां दी, और उनके साथ में उन्होंने MR का नाम भी उल्लेख किया कि MR से कमीशन लेके वो दवाइयों को, महंगी से महंगी दवाइयों को लिखते हैं, जिससे जनता का शोषण हो रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो दवाइयों की कीमत का निर्धारण होता है वो केंद्र सरकार और DGCI करती है, MR का ऐसा कोई काम नहीं है, MR का काम है ओनली सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई, उनका काम है सेल्स को आगे बढ़ाना, और हम लोग कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। और उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, वो एक बाजार में असामाजिक तत्व हैं, और असामाजिक तत्व को ध्यान में रखते हुए आगे कोई उग्र रूप ना हो, इससे उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये हमारी SP साहब से हमने निवेदन किया है। भैया इनको कहबो जो है कि विरोध को अधिकार तो संविधान ने सबका दो, विरोध करो, लेकिन विरोध की एक मर्यादा है, एक सीमा है, एक कानून के अंदर रह के कानूनी मर्यादा जो बनाई गई, कोई खराब शब्द नहीं कहे जा सकत, जो सरासर गलत है वो पार्टी कोनो हुए, नेता कोनो हुए, लेकिन जो अधिकार कोई खा भी नहीं है कि डॉक्टर के खिलाफ, वैसे भी डॉक्टर ने जो कोरोना काल में इनके सबके हम आभारी हैं भैया, सभी जनन ने जो कोरोना काल में सेवा करी है, वो एक वार्ड बॉय से लगा के धड़े अधिकारियों से लगा के इन लोगों से लगा के कि दवाइयों से लगा के इलाज से लगा के, तो वो उनको भूलो नहीं जा सकत, वो उत्तरदायित्व तो जो उनने निभाओ है, अब इनको आक्रोश ही बात खन लेके हैं कि भैया हमें भी वही में शामिल कर लो गो, डॉक्टर के लाने अब शब्द भाषा को प्रयोग करोगो, हमारे लाने भी करोगो, तो इनकी सीधी सीधी मांग है कि मुन्ना तिवारी जो शिवसेना के जिला अध्यक्ष है, मुन्ना तिवारी के खिलाफ हमने सुनी है भैया, जैसे बगैर सूत्र से ज्ञात भाव है मीडिया का, उनके ऊपर केस कायम हो चुको, अब जो हम क्लियर कब कर सकते, जब हमें हो सकत कि सचिन शर्मा जी आज मिले, मुलाकात हुई है अगर हमारी, तो हम वो भी क्लियर करें कि केस में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई मुन्ना तिवारी के खिलाफ। तो भैया मुन्ना तिवारी शिवसेना के खिलाफ जो प्रदर्शन इनको है, इनने SP साहब का ज्ञापन दो भैया, अगर इनमें कार्रवाई नहीं हो रही तो आगे की आपकी रूपरेखा का है? बिल्कुल, हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और अभी हम सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आगे हमारे साथ में डॉक्टर भी हमारे साथ में शामिल होंगे, इसलिए देखो भैया आक्रोश बराबर देखो जा सकत, हो भी काय ना, भाव भी चाहिए, काय से अब शब्द नहीं कहे जा सकत, कोनो पार्टी हो, कोनो दल हो, कोनो नेता हो, ना करोगो ई को, अगर ई पे मुन्ना तिवारी ने खुले में आके माफी ना मांगी, तो डॉक्टर पूरा चिकित्सा संगठन से जुड़े सभी व्यक्ति, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी हम लोग MR, उनके ऊपर खुला आक्रमण करेंगे, जो उन्होंने बोला ना कि डॉक्टरों को हम जूता मारेंगे, जूते की माला पहनाएंगे, जो मुन्ना तिवारी ये काम नहीं कर पाएगा, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और चिकित्सा संगठन से जुड़े हुए लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, वो क्या जूता पहनाएंगे,
मेडिकल एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दवाइयों की कीमत निर्धारित नहीं करता, ये डीजीसीआई और केंद्र सरकार करता है। शिवसेना जो महाराष्ट्र में बैठी है, क्या उसने क्या कभी केंद्र सरकार को घेरा दवाइयों के लिए? जो मुन्ना तिवारी छतरपुर में एमआरओ को गालियां दे रहे हैं, डॉक्टर मेडिकल स्टाफ नर्सिंग स्टाफ अवार्ड से सम्मानित किए गए, अवार्डों से सम्मानित किए गए, भगवान देवता का रूप दिया गया उनको, ये दो कोड़ी के लोग जूता पहनाएंगे उनको, जिनको स्वयं प्रधानमंत्री मोदी। आप लोग पढ़े लिखे हो, आपका पता है कि उस सेना में कैसे आदमी, आप लोगों की सेना में कैसे। हम एक विशेष निवेदन है आप सभी जनन से कि भाषा को के प्रति हो अमर्यादित न हो चाहिए। आपके हम बुंदेली चुगली के इस एडवाइस से हम बिल्कुल समर्थित हैं। हम लोग चूंकि पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमने शांति पूर्वक साहब को ज्ञापन दिया, शांति पूर्वक हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। साहब ने हमें इसमें रिसीविंग देकर के उन्होंने बोला है कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम बिल्कुल सम्मान के पूर्वक करेंगे, लेकिन जिस तरह की अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी मुन्ना तिवारी जी ने की है, एक सीनियर पर्सन है वो इस शहर के, उन्होंने जो टिप्पणी की है वो सही नहीं है। वो भैया उनको साफ कहो, कहूं से भी जायज नहीं कहो जा सकता। हम इस बात को समर्थन कर रहे, हम समर्थन कर रहे, पुरजोर समर्थन कर रहे कि विरोध का अधिकार है, लेकिन मर्यादा के अंदर रह के। बिल्कुल ऐसे शब्दों को प्रयोग, खास तौर से डॉक्टर हो या ये भैया एजेंट मेडिकल एमआर हो, ये कोई हो भैया, इनने जो सेवा करी है वो भुलाई नहीं जा सकत। जो हकीकत की बात है उसे मुकरो नहीं जा सकत। तो जब भैया बुंदेली चुगली की लाइव परिस्थिति अब जोड़े जा रहे, कलेक्टर साहब के तभी जा रहे ज्ञापन देवे, जैसे हमने आपका बताओ है, अब कलेक्टर साहब के तभी ज्ञापन देवे जा रहे, तो हम भी इनके संगे हैं। हम भी इनको प्रदर्शन भैया दिखवा रहे कि जो सही है जायज है, चाहे वो कोई हो, हम भैया सब दिखा भी, लेकिन हक है अगर विरोध करवे को तो शांति पूर्वक तरीका से, ना कि गाली गलौज करके। गाली गलौज करवे को अधिकार हमारे संविधान में कोई का नहीं है। वो कोनो भी पार्टी हो, नेता हो, दल हो, या कोई भी आदमी हो भैया, तो जो अधिकार कोई का नहीं है। अब देखो जैसे कि विरोध कर रहे भैया जो एम आर इकट्ठे हैं सबरे, वही कड़ी में भैया इन्हें भी दिखवा दो जाए, जो सुधीर खड़े हैं हमारे भैया, जो सुधीर खड़े खाओ हमारे भैया बहुत अच्छे परम मित्र भी हैं। तो भैया हम भी प्रयास यही कर रहे हैं कि इनकी हम पूरी उपस्थिति जितनी है देखो कि भैया हम भी साथ दें इनको, और इनकी भी बात सरकार लो, प्रशासन लो, शासन लो पहुंचे। तो बुंदेली चुगली यही प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुन भी लो, देख भी लो, कि शिवसेना ने जो भाषा अभद्र भाषा बोली है डॉक्टरन के लाने, एमआरएन के लाने बोली, वही के विरोध में जी अब एसपी साहब का ज्ञापन देखे आए हैं, और अब ये जा रहे कलेक्ट्रेट कलेक्टर साहब का ज्ञापन देवे जा रहे। तो भैया हम भी सीधी प्रस्तुति आपका दिखवा रहे, बैठ के बढ़िया आनंद लो इस प्रस्तुति को, और बताओ सब जने कि बुंदेली चुगली की जा खबर कैसी लगी। तो बैठ के बढ़िया घंटी टन उड़ा, सब्सक्राइब करो, देखो दिखाओ, बताओ सब जनन खा के जो है बुंदेली चुगली। अब भैया हमारी मर्यादा इतना ही खत्म हो रही, हम इनके अंदर नहीं जा सकत। 144 धारा को भी वो लिख रात है, तो वो हमें पालन करने जे जा रहे भैया ज्ञापन देवे, देखो कलेक्टर साहब का, और हम कैमरा मैन का अपने संगे भेज भी जाके कलेक्टर साहब की ज्ञापन देख की वीडियो लाइव चलाओ जाइयो, नहीं भैया हमारी आवाज बनना है लाइव चलाओ। आप लोग रुको, हम सीट में क्योंकि अधिकारी है सब, हम इस टाइम आपको दे जो भी अधिकारी है।
लाइव नहीं चल रहा, बगल में लाइव नहीं चल रहा, कुंडली वाले कहाँ चले, कुंडली वाले आप ही चल रहा है लाइव, हम लोग वो देख नहीं जा पाए समय आप लाइव देंगे, ये भी अभी चल रहा है लाइव ही चल रहा है। लाइव चल रहा है ना, इसलिए नीचे देखो, नीचे वाली वीडियो है। अब हम अपनी समाप्त कर रहे भैया, आगे हम फिर कोनू खबर लेके आवी, तब तक के लाने सबई जनन खां राम 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 राम।